दोस्तों लोकसभा इंतखाबात 2024 का तकरीबन रिजल्ट आ चुका है। ऐसे ही मैं चंद सीटों के बारे में बताऊंगा कि किसने कहां से कितनी अक्सरियत में जीत हासिल की है। तेलंगाना में हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी का हमने आपको बता दिया है कि वो शानदार कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 3,17,000 वोटों से बीजेपी एमपी कैंडिडेट माधवी लता को शिकस्त देते हुए। ऐसे ही मंडी से बीजेपी की जानिब से इलेक्शन लड़ने वाली कंगना रनावत, जी हां बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनावत ने भारी वोटों से कामयाबी हासिल की है। सामने आने वाले एहदाद व शुमार के मुताबिक कंगना रनावत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 70,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। काबिल जिक्र है कि मंडी शुरू से ही एक हाई प्रोफाइल सीट रही थी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला था, ताहम अब नतायज वाजे हो चुके हैं। ऐसे ही मुख्तार अंसारी के भाई, मरहूम मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत गए हैं। अफजाल अंसारी 1,00,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, वहीं बीजेपी ने यहां से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया था, जिसने ओवैसी को दिया था 15 सेकंड का चैलेंज, उसको आवाम ने दे दी पटकी। जी हां कुछ ऐसा ही हुआ नवनीत राणा के साथ। महाराष्ट्र की अमरावती से चौंका देने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को हार गई है। जी हां नाज़रीन इकराम, रणवीर राणा हार चुकी है अमरावती में। नवनीत राणा का महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस लीडर बलवंत वानखेड़े से था। इस मुकाबले में बलवंत वानखेड़े ने अमरावती से नवनीत को शिकस्त दे दी है। ऐसे ही झारखंड के साबिका वजीर आला हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन ने अपनी सियासी जिंदगी की पहली जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप वर्मा को शिकस्त दी है, वो भी 26,490 वोटों से। ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया में अपने बल्लेबाजी से धुआंधार बैटिंग करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले यूसुफ पठान ने भी, तृणमूल कांग्रेस से एमपी कैंडिडेट थे, वो भी शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करते हुए जीत हासिल कर ली है।